हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स का मतलब होता है एनर्जी लेवल, जिसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जिनके अंदर दो एटम्स होते हैं, यानी कि हम मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की वजह से कहा जा सकता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है ड्यू टू द जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनके बीच में ट्रांजिशंस को देखते हुए। तब सबसे पहले देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का मतलब है कि जो एनर्जी है उसके अंदर डिसकॉन्टीन्यूअस वेरिएशन आना। एनर्जी के अंदर डिसकॉन्टीन्यूअस वेरिएशन है जिससे हम ये कह सकते हैं जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं, वो हमारे डिसकन्टीन्यूअस होंगे, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि हमारे जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं, वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होते। जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ जाते जाते हैं, वो एनर्जी लेवल्स क्लोज आते जाते हैं। तो क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं वो डिस्क्रीट हैं, डिस्क्रीट का मतलब है वो डिसकंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन उनके अंदर आ रही है, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है वो भी हमारी डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं उसकी भी। तो इन ये सब चीज़ें हमने ऑब्जर्व की जब हमने ट्रांजिशंस देखे इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी ही डिसकंटीन्यूअस होती है, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन शो करती है। अब हमने एटम के अंदर जो उसके एटॉमिक एनर्जी स्टेट्स थे उनको क्लासिफाई किया था, उसके बारे में स्टडी किया था। तब उसी तरह हम मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिक्यूलर एनर्जी स्टेट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होंगे, उनको स्टडी करेंगे। देखिए, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन होता था वो हम एक स्फेरिकल सिमेट्रिक फोर्स फील्ड के अंदर कंसिडर करते थे, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर कंसिडर करते थे, जिसमें जो उसका इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल होता था, ये कांस्टेंट होता था। ठीक है, एटम्स के अंदर एल कांस्टेंट होता था और जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन टेक प्लेस करता था वो हमारा एक सिमेट्रिक फील्ड के अंदर होता था, जबकि एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक एक्सियल सिमेट्री होती है अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब है एक इमेजिनरी लाइन जो दो एटम्स के न्यूक्लियस को ज्वाइन करती हो। तो इस एक्सिस के अलोंग एक सिमेट्री रहती है, जिस सिमेट्री के अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट कंजर्व्ड रहता है। और ये क्योंकि सिमेट्री है लॉन्ग वन एक्सिस, एक इंटरनल न्यूक्लियस एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्री है, तो इसीलिए हम इसे एक्सियल सिमेट्री बोल देते हैं। और इस सिमेट्री के अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट कंजर्व्ड रहता है, और वो जो कंपोनेंट है वो लाई करेगा अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इस कंपोनेंट को, जो ये कंपोनेंट हमारा आया है कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इस कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, इस तरीके से। अब हमें ये कंपोनेंट निकालना है। इस कंपोनेंट को निकालने के लिए हम कंसिडर करेंगे एल का प्रिसेशन। एल हमारा क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का प्रिसेशन कंसिडर करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। यानी हम ये मान लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अगर हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है, तो उसके अलोंग हम प्रिसेशन कंसिडर करेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल का, जिसकी हेल्प से हम इस एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। प्रिसेशन से यहाँ से मतलब है एक तरह का रोटेशन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट जो फील्ड के अलोंग डायरेक्शन के अलोंग है, उसको हम बोल सकते हैं ml। अब ये ml जो है ये वैल्यूज़ लेगा, l-1 डिस्क्रीट वैल्यूज़ लेगा। तो यहाँ से इसको भी कह सकते हैं कि जो ये कंपोनेंट है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, ये भी हमारा क्वांटाइज्ड है, क्योंकि ये भी डिस्क्रीट वैल्यूज़ ले रहा है। अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक मोशन की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, तो इसकी वजह से पूरे सिस्टम की एनर्जी रिवर्स नहीं होगी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे लैम्डा की, या आप कह सकते हो कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करने के लिए हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 सो ऑन आ जाएंगी। एटम्स के अंदर हम कंसिडर करते थे जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम,
इसकी वैल्यूज हम जैसे L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 आती थी, तो हम करस्पॉन्डिंग स्टेट्स को बोलते थे SPDF। मतलब L अगर 0 होगा तो S स्टेट होगा, L इज इक्वल टू 1 होगा तो P स्टेट होगा, L इज इक्वल टू 2 होगा तो D स्टेट होगा, L इज इक्वल टू 3 होगा तो F स्टेट होगा। जबकि अगर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हमारे बनेंगे, जो एनर्जी स्टेट बनेंगे, वो हमारे समेशन या सिग्मा आप कह सकते हो, पाई, डेल्टा या फाई, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। क्योंकि यहाँ पे एल की जगह हम लैम्डा यूज़ कर रहे हैं, तो लैम्डा अगर हमारा 0 है तो समेशन एनर्जी स्टेट होगा, लैम्डा हमारा 1 है तो पाई होगा, लैम्डा हमारा 2 है तो डेल्टा होगा, और लैम्डा हमारा 3 है तो फाई होगा रिस्पेक्टिवली। अब एटॉमिक स्टेट्स के बारे में जब हम स्टडी करते थे तो वहाँ पे जो मल्टीप्लिसिटी होती थी वो 2s+1 निकलती थी, और यहाँ पे 2s+1 के अंदर जो s है ये हमारा टोटल स्पिन क्वांटम नंबर होता था। जबकि मॉलिक्यूल्स के केस में हम कंसिडर करेंगे रिजल्टेंट स्पिन s, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बिल्कुल ही अनइफेक्टेड रहती है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर जाती है अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर हमारा लैम्डा जो है, जो कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ अगर ये 0 हो गया तो इस वक्त जो कंपोनेंट हमारा बनेगा उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इस समेशन या सिग्मा की वैल्यू हमारी होगी s, s-1, -s। इस केस के अंदर अगर हमने इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी भी हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो मल्टीप्लिसिटी आएगी वो हमारी 2s+1 आएगी। हालांकि ये जो वैल्यू है ये हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं कर सकते, जबकि जब हम एटम्स के बारे में स्टडी करते थे तब हम L इज इक्वल टू 0 को डिफाइन कर देते थे, जिसके करस्पॉन्डिंग हम S स्टेट लेकर चलते थे, लेकिन यहाँ नहीं कर पाएंगे। एटम्स के केस के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम आता था, जिसे हम J बोलते थे, वो हमारा वैक्टर एडिशन होता था L और S का, सच दैट J इज इक्वल टू L प्लस S से वेरी करता था L-S तक। लेकिन मॉलिक्यूल के केस के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम आएगा अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ एग्जिस्ट करेगा जो आप इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम कह रहे हो वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करेगा, जो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन है। तो यहाँ जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ओमेगा से, सच दैट ये ओमेगा जो होता है ये अलजेब्रिक एडिशन होगा ऑफ कंपोनेंट्स लैम्डा एंड सिग्मा अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो एक स्पिन के लिए यूज़ होगा, एक हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम आएगा उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जो ओमेगा है ये अलजेब्रिक एडिशन आएगा, तो हम इसको मॉडुलस लैम्डा प्लस समेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये ओमेगा है ये डिफरेंट वैल्यूज़ लेगा करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ दिस सिग्मा, यानी किसी पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू के ऊपर सिग्मा की जितनी वैल्यूज़ होंगी उतनी ही ओमेगा की वैल्यूज़ होंगी। अगर मान लीजिए सिग्मा की वैल्यूज़ 2s+1 वैल्यूज़ हैं तो उसमें ओमेगा की भी 2s+1 वैल्यूज़ ही होंगी, यानी हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एनर्जी स्टेट किसी पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू के ऊपर 2s+1 एनर्जी लेवल्स के अंदर स्प्लिट हो सकता है। लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग कोई भी एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग नहीं होगी। जबकि हम सिंगलेट स्टेट की बात करेंगे तो सिंगलेट स्टेट का मतलब है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पेयर्ड है और यहाँ पे एक ही एनर्जी यानी कि एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। तो अगर सिंगलेट की बात करेंगे तो S0 है तो हमारा समेशन भी 0, क्योंकि अभी हमने देखा था समेशन हमारा S की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर समेशन 0 हो गया, क्योंकि ओमेगा हमारा लैम्डा प्लस समेशन के इक्वल है, अगर समेशन 0 हो गया तो यहाँ ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लैम्डा को 1 कह देते हैं तो लैम्डा को 1 कहने से जो इसकी टर्म बनेगी हमारी, तो ये जो टर्म हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक आपकी टर्म है, तो ये वाला जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये ओमेगा को शो करती है और ये इसकी मल्टीप्लिसिटी 2s+1 होती है। तो यहाँ पे जब हम टर्म लिखेंगे इसकी, तो यहाँ पे ओमेगा हमारा किस 1 के इक्वल हो गया, क्योंकि ओमेगा लैम्डा के इक्वल है और लैम्डा हम 1 ले रहे हैं, समेशन तो हमने 0 ही बोल दिया है सिंगलर स्टेट के लिए। तो यहाँ से ये वैल्यू तो ओमेगा 1 बन जाएगी, और अगर इसकी मल्टीप्लिसिटी बनाएंगे तो S इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग
बॉन्डिंग 2s1 1 दे देगा। तो यहाँ से जो टर्म बनेगी इसकी 1π 1 बन जाएगी, और इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि जब लैम्डा 1 होता है तो पाई स्टेट हम कंसिडर करते हैं। अगर हम डबलेट स्टेट की बात करते हैं, डबलेट टर्म्स की बात करते हैं, डबलेट का मतलब ये है यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू, दो स्टेट्स मिलेंगे एस की प्लस हाफ और एक माइनस हाफ के लिए, तो एस की एक हाफ़ वैल्यू होगी जिससे हमारे समेशन की एक प्लस हाफ होगी एक माइनस हाफ होगी। तो यहाँ जो ओमेगा की वैल्यू बनेगी ये लैम्डा प्लस माइनस हाफ हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे लैम्डा को 1 मान लेते हैं तो ओमेगा की दो वैल्यू मिलेंगी, या 1 प्लस 1/2 या 1 माइनस 1/2, जैसे 3/2 और 1/2, तो एक 3/2 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, क्योंकि हम लैम्डा को 1 मान रहे हैं तो यहाँ पर पाई स्टेट आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी निकालनी है तो वो 2s+1 होती है, एस को हम हाफ पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी हमारी 2 आ गई। अगर हम ट्रिपलेट स्टेट की बात करें तो इसमें 3-fold स्प्लिटिंग होती है और यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके केस में एस की अगर 1 है तो करस्पॉन्डिंग जो समीशन की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू हमारी आएगी वो 1 0 -1 आ जाएगी, जिससे ओमेगा की वैल्यू लैम्डा प्लस 1 हो सकती है, लैम्डा हो सकती है और लैम्डा माइनस 1 हो सकती है। अगर हमने यहाँ पे लैम्डा को 2 ले लिया तो इसकी वजह से जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो हमारी, देखिए अगर हमने लैम्डा को 2 ले लिया तो एनर्जी स्टेट बनेगा हमारा डेल्टा, तो यहाँ पे ये तो 3 2 1 बन जाएंगे ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 और ओमेगा यहाँ पे। और अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2s+1, एस हमें ऑलरेडी 1 दे रखा है तो 2s+1 3 बन जाएगा, तो ये स्टेट्स हमें मिल जाएंगे। तो इन ट्रिपलेट स्टेट के अगर हम स्प्लिटिंग की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं एक एनर्जी लेवल इस तरीके से 3 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। इसकी वैल्यू 3 delta 1 होगी, 3 delta 2 3 delta 3, जो हमारे ये स्टेट्स आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा की ये वैल्यू थी, एस की वैल्यूज ये थी, तो हमने इस तरीके से टर्म्स देख ली। तो ये जो एनर्जी लेवल है ये तो जब हमारा होता है जब हम देखते हैं कि लैम्डा और एस के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, और ये एनर्जी लेवल हमारे जब मिलेंगे जब इंटरेक्शन बिटवीन लैम्डा एंड एस को हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा उसको स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा कि हम रोटेशनल मोशन के लिए पढ़ें, क्योंकि रोटेशनल मोशन जो है इसकी एनर्जी सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इसके बाद हम वाइब्रेशनल मोशन को स्टडी करें एंड उसके बाद फाइनली हम इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक मोशन के बारे में कंसिडर कर। इसके लिए हमने सूटेबल मॉडल चूज़ करने चाहिए, रोटेशन अगर पढ़ना है या वाइब्रेशन किसी मॉलिक्यूल का पढ़ना है तो हमें सूटेबल मॉडल चूज़ करने के लिए, जिससे हम उनके क्वांटम मैकेनिकल लेवल्स के बारे में पता लगा सकें। और यहाँ जो हम ट्रांजिशंस हो रही हैं लेवल्स के बीच में, तो यहाँ जो सिलेक्शन रूल्स हैं उन सिलेक्शन रूल्स को हम कंपेयर करेंगे ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा में जो हमें मिलते हैं उससे, यानी कि थियोरेटिकली जो हम यहाँ सिलेक्शन रूल लगा रहे हैं उनको हम कंपेयर करेंगे जो ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा के हैं। अगर वो मैच हो जाते हैं तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी हम लगा रहे हैं ये वैलिड है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर हमने अज्यूम किया है उसकी भी हम वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। थैंक यू।